राम जी की इस पावन कथा में सभी राम भक्तों का हृदय से स्वागत है। कल की रामचरितमानस में हमने पढ़ा था कि भरत जी राम जी से मिलने के लिए वन को निकल चुके हैं सभी परिवारजनों और अपने नगरजनों के साथ। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने विश्राम किया है। अभी रात्रि बीत चुकी है, सुबह हो चुकी है, तो वही कथा अभी हम आगे करेंगे। बोल श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय, बोलो भरत महाराज की जय। कीन निमज्जनु तीरथ राजा, हन्नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आए सु आशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहु भासी। प्रातः काल भरत जी ने तीरथ राज में स्नान किया, समाज सहित मुनि को सिर नवाकर ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर धर कर दंडवत करके बहुत विनती की। पद गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलते दे धरी जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, तेमु नेमु वर तू धर्मु अमाया। लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछ सकी कहत मृदु बानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है, उनका प्रेम नियम व्रत धर्म निष्कपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम वास थल विटप विलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दशा सुर बर सही फूला, भय मृदु मही मगु मंगल मूला। किए जाही छाया जलद सुखद बही बर बात, तस मगु भयउ न राम कहे जस भा भरत ही जात। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित है प्रभु जिन्हें प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शनों ने तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे उनके परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्हें राम मन माही। वारक राम कहत जग जेऊं, होत तरन तारन नर तेऊं। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होय मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि वर अस कही, भरत ही निरखी हर सूही अलहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल मूल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देख कर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखि प्रभाऊ सुरे सही सोचू, जगु भल भले पोचू कहूं पोचू। गुर सन कहूं कर ये प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देव राजेंद्र को सोच हो गया कि कहीं इसके प्रेम वश श्री रामचंद्र जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार के भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभो वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेगरन चहती, करिए जतनु छली सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची हैं, प्रेम के वश हैं, भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर उनका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुरु गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज माया के स्वामी, श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है।
तब की चुकी न राम रुख जानी, अब कुचाली कर हो ही हानि, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाहू, नीच अपराध रिसा ही न काहू। उस पर पिछली बार तो श्री रामचंद्र का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरही, लो कहूं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानी ही दूरभाषा। पर जो कोई उनके भक्त को अपराध करता है तो श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेही, मनउन आनिये अमर पति, रघुबर भगत अगाचू, अजसू लोक परलोक सुख, दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ऐ सेवकु परम प्यारा, मानत सुखु सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो, श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है, वे अपने सेवक की सेवा में सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गही न पाप पुन गुण दोसु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न दोष है, न वे किसी का पाप पुण्य गुण दोष ही ग्रहण करते हैं, उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तद्यपि करहिं सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई, राम भक्त पर हित निरत पर, दुख दुखी दयाल भक्त शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुं सुरपाल। गुरु बृहस्पति जी इंद्र जी को समझाते हुए कहते हैं कि श्री राम जी सदा अपने सेवकों को भक्तों की रुचि रखते आए हैं, वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं, ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं और वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत तो भक्तों की शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल भी ना डरो। सत्य संत प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वाराध विवश विकल तुम्हें हो हूँ, भरत दोषु नहीं राव रुमो हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भा पर मोदु मन मिटी गलानी, बरसि पर सुन हर सी सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई, जबई राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं, उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवही वचन सुनी पुलिस पसाना, पुर जन प्रेम न जाई बखाना, बीच बास करी जम नहीं आए, निरखी नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं, अयोध्या वासियों का प्रेम कहते ही नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए, यमुना जी का जल देख कर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बरबारी, समेत समाज होत मगन बारी, धीर है चढ़े विवेक जहाज।
श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करिबासु भयों समय बस सबहि सुपासु रात ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाही न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया, समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट को अगणित नावे वहां आ गई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा तो से राम सखा की सेवा चले नहाई नदी सिर नाई साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही नाव में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बर वाहन आचे राज समाज जाई सब पाछे तेही पाछे दो बंधु पया दे भूषण बसन बेस सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत ही सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा सुमरित लखनऊ सिय रघुनाथा जह तह राम बास विश्रामा तह तह कर ही स प्रेम परनामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण जी सीता जी रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासे नर नारी सुनी धाम काज तजि धाई देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल उपाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ही है सुनकर घर और काम का छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। उनके रूप सौंदर्य प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही राम लखनऊ सखी हो ही कि नाही बै बपु बरन रूप सोयाली सीलु सने है सरीस समचाली। गांव की स्त्री एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील सने उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। वे सुन है सो सखी सिये न संगा आगे अनि चली चतुरंगा नहीं पर सन मुख मानस खेदा सखी संदेहू ओ ही नहीं भेदा। परंतु हे सखी इनका न तो वेश वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है न ही सीता जी संग है और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न भी नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेदक के कारण संदेह होता है। तासु तरकती अगन मन मानी कहीं सकल तेही समन से आनी तेही सराही बानी फुरी पूजी बोली मधुर वचन तिय दूजी। उनका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान कोई सयानी चतुर नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार कहकर उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु जही विधि राम राज रस भंगु भरत बहुरी सराहन लागी सील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के सील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चल तपया दे खात फले पिता दीन तजी राजू जात मना मन रघुबर ही भरत सरिस को आजू। वह बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भाय भक्ति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इसके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे भई न धन्य जुबती जन लेखे सुनी गुण देखी दशा पछिताही के कई जननी जोगु सुतुनाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य है बड़ी भागिनी है स्त्रियों की गिनती में आ गई है। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है।
कौ कह दुष्णु रानी ही नाहिन विधि सबु कीन हमें जो दाहिन कह हम लोक वेद विधि हानि लघुति कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है कि इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से ही मलिन, तुच्छ स्त्रिया। बसे ही कुदेश कुगाम कुबामा, कह यह दर्शु पुण्य परिणामा, अस अनंदु अचि रिजु प्रतिग्रामा, जनु मरु भूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत बुरे गांव में बस्ती और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत दर्शु देखत खुलेऊ, मग लोग हैं कर भागू, जनु सिंघल बासीन बहु, विधि बस सुलभ परियागू। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप में बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीर्थ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमज्जहि करहि परनामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांग ही बरु एहूं, सिय राम पद पदुम सुनेहूं, मिलही कि रात कोल बनवासी, बैखा नस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो, मार्ग में भील कोल आदि वनवासी और वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करी प्रणाम पूछ ही जही ते ही, कहीं बन लखनु राम बै दे ही, ते प्रभु समाचार सब कही, भरत ही देखी जन्म फलु लही। उनमें से जिस प्रकार से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री जानकी जी किस वन में है, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रे राम लखन समले के, एही विधि बूझत सभई सुभानी, सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण जी के समान ही प्यारे मानते हैं, इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी में पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेही बासर बसी प्रात ही, चले सुमिरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उसी दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के उन लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ई सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिट ही दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं, सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं, समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है और श्री रामचंद्र जी को मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। दाहिने का मतलब होता है सूर्य नाड़ी और बाएं का मतलब होता है पिंगला नाड़ी, यानी कि सूर्य और चंद्र या शिव और शक्ति। कहत मनोरथ जह जिये जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिहै बल वचन प्रेम बस बोलही। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके हुए प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं, अंग स्थिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहल वचन बोले जा रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल सिरो मनि सहज सुआवा, जासु समीप सरित पैती रासी है समेत बस ही दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैसवनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करही सब दंड प्रणामा, कहीं जय जान की जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजु, जनु फिरी अवध चले रघुराजु। सब लोग उस पर्वत को देखकर जान की जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज में प्रेम में ऐसा मगन हो गया मानो रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेमुते ही समय जस तस कही सकई न सेसु, कबही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, एह मम मलिन जनेशु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते।
कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल सनेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के जल थलु देखी बसे निसि बीते किने गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में दो ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देख कर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहां राम रजनी अवशेषा जागे सिंह सपन अस देखा सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा सपन देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगी मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी सुनी सिय सपन भरे जल लोचन भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा है। सीता जी का सोपन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भराया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुना ही को ही अस कहीं बंधु समेत नहाने पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण यह सोपन अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिसी देखत भये नवधूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारणु काहचित सच कीत रहे सब समाचार की रात कोलने ही आई ते ही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन मने प्रमोद तन पुलक भर सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सने है जल। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए। उत्तर दिशा की ओर देखने लगे, आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलो ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं में भर गए। बहुरी सोच बस भेष यर बनु कानन कवन भरत आगवनु एक आई अस कहां बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनी राम भाति सोचु इत पितु बच इत बंधु सकोचु भरत स्वभाव समझी मन माही प्रभु चित हित थी पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन, इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाई है जाने भरतु कहे मऊ साधु सयाने लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु है और सयाने हैं तथा मेरे कहने से आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूं गोसाऊ सेवक समय ने ढीठ ढिठाई तुम्हें सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आप निसमझी कहूं अनुगामी। नाथ सुहृदय सुठी सरल चित सील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिए जानिए आप समान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे स्वामी आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ आप परम सुहृदय बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय सील और स्नेह के भंडार है। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई मूड मोह बस होई जनाई भरतु नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना।
परंतु मूड विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। त्यों आजू राम पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई, कुटिल कुबंधु कु और सुरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले हैं, ऐसा आए हैं। करी कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाए, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रच कर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली, के ही सुहाती रथ बाजी गजाली, भरत दोसु देई को जाए, जग बोराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को व्यर्थ ही कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। ससी गुरतिये गामीन घूसु, चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेदते विमुख भा हदम न भेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस भाव सुर नाथ त्रिशंकु, के ही न राज मद दीन कलंकु, भरत की ही नहीं है उचित उपाऊ, रिपुरीन रंज न राखब काऊ। सहस्र बाऊ देवराज इंद्र और त्रिशंक आदि किसको राज मद ने कलंकित नहीं किया, भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जानी सहाई, समझी पर ही सोऊ आज विशेष ही समर सरोस राम मुख पे की। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको ऐसा है जानकर उसका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देख कर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। ये इतना कह दी रस भूला, रन रस विटुप पुलक मिस भूला, प्रभु पद बंदी शीश रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली बहाने से फूल उठा था। नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर धर कर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मान बमोरा, भरत हमारी उपचार न थोरा, कह लगी सहिये रहिए मनु मारे, नाथ साथ जनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। छत्री जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जगुजान, लाते हमारे चढ़ती सिरे नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म, फिर मैं श्री रामचंद्र जी आपका अनुगामी सेवक हूँ यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाए सुमांगा, मनो वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटिभाथा, साजी सरासनु सायकु हाथा। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांध कर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजा कर तथा बाण हाथ में लेकर कहा, आजू राम से वग जसु लेऊ, भरत समर सिखावन देऊ, राम ने रादर कर फलु पाही, सोवऊ समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। भरत श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोवें। आई बना भल सकल समाज, प्रकट करऊं ऋषि पाछ लिए आजू, जिमी करी निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया, आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है। तैसे ही भरत सेन समेता, सानुज निद्र निपातऊ खेता, जो सहाय कर संग करु आई, तो मारे उरन राम दोहाई। अति सरोस मा के लखनू, लखी सुनी सफत परवान,
सबै लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगवान। वैसे ही भरत जी को सेना समेत छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तम तमाया हुआ देख कर उसकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जब उभय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलु विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को नहीं सखई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित का जू की चूहू, समझी करिये भल कह सब कहूँ, सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा ही कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिए सादर सनमाने, कहे तात तुम्हें नीति सुहाए, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है, हे भाई राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मात ही ते ही, ना इन साधु सभा जही से ही, सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना ने दिशा। जिन्होंने साधु की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया है वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। घर तई होई ने राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कवों की कांजी सिंकरणी, चीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमिरु तरुण तर नहि मुकु गिलही, गगनु मगन मुकु में गही मिलही, गोपत जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्यान के सूर्य को निकल जावे, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त से जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकुमेर उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हारे सफत पितु आना, सूची सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूक से चाहे सुमेरु पर्वत उठ जाए, परंतु हे भाई भरत को राज मद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी सफत और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सह गुनु खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता, भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्हें गुण दोष विभागा। हे तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य कुल वंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष को विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गई गुण पैत जी अव गुण बारी, निज जस जगत कीन है उजियारी, कहते भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील स्वभाव को कहते कहते रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो ने होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी धरत को, कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम्हें बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी कभी कुल के लिए अगम उसकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिया सुनी सुरबानी, अति सुकुले हुन जाय बखानी, इहां भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाय। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया।
सरित समीप राखी सब लोका, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा, चले भर तू जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर गुरु माता और मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ ले भरत जी वहाँ को चले, जहाँ श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी थे। समझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्ग कोटी मन माही, राम लखनु सिय सुनी मम नाहू, उठी जनी अनत जाही तजी ठाऊ। भरत जी अपनी माता के कई की करनी को समझ कर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों प्रकार के कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाए। मातु मते महुमानी मोही, जो कछु करही सो थोर, अग अवगुण छिमी आदर ही समझी अपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर से समझकर अपने विरोध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरे मलिन मनु जानी, जो सनमानी सेवकु मानी, मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोसु सब जन ही। चाहे मलिन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चा तक मीना, नेम पेम निज निपुन नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सने शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं, उनके सब अंग संकोच और प्रेम से स्थिर हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी, जब समझत रघुनाथ सुभाऊं, तब पथ परत उताई लपाऊं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल चले जाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते समझ करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत साते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, देखी भरत कर सोचु सने हूँ, भा निषाद ते ही समय विदे हूँ। उसी समय भरत जी की दिशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल को भोरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुत बुद्धि भूल गया। लगे होन मंगल शगुन, सुनि गुनि कहत निषादु, मिट ही सोचु होई हरसु, पुनि परनाम विषादु। मंगल शगुन होने लगे, उन्हें देखकर विचार कर निषाद राज कहने लगे, सोच मिटेगा हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने, भरत दीख बन सैल समाजु, मुदित सुजित जनु पाई सुनाजु। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते ही अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आधिदैविक और अधिभौतिक तापों से तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरों की राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन छह उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन उपाय सुराजा, सचिव विरागु विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास में वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जमनियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊं, रामचरण आश्रित चित चाऊं। यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह तथा नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां है। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों में पूर्ण है तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य सुहृदय कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये सात अंग होते हैं।
जीति मोह मई पालू दल सहित विवेक भुआलू करत अकंटक राजूपुर सुख संपदा सुकालू। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे जनुपुर नगर गाऊं गन खेरे विपुल विचित्र विहग मृग नाना प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांत में जो मुनियों के बहुत ही निवास स्थान है वही मानो शहरों नगरों गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाघ बराहा देखी महिष वृष साजु सराहा बैरु बिहाई चरही एक संगा जह तय मनहु सेन चतुरंगा। गेंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। वे सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं यही मानो चतुरंगनी सेना है। झरन झरई मत गज गाजही मनहु निशान विविध विधि बाजही चक चकोर चातक सुख पिक गन कुंजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं मत वाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा जनु सुराज मंगल चहु ओरा बेली बिटप त्रन सफल सफूला सब समाजु मुद मंगल मूला। मोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं मोर नाच रहे हैं मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष त्रण सब फल और फूलों से युक्त है सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेमु तापस तप फल उपाय जिमी सुखी सिराने नेमु। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास प्रायण 20वां विश्राम नव प्रायण 5वां विश्राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने।